हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू किंजास किचन। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। आज फिर से एक न्यू रेसिपी लेकर आया हूँ, जो कि है दूध का शरबत, जो कि मुहर्रम में बनाया जाता है। जैसा कि आप सबको पता है, मुहर्रम मंथ स्टार्ट हो गया है, इसीलिए मम्मा ने ये रेसिपी बनाकर डाल दिया है। तो चलिए हम इस रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। इसके लिए हमें लगेगा 2 लीटर दूध, उसको अच्छे से बॉइल करना है जैसा मम्मा कर रहे हैं। उसके बाद हमें लेना है 2 चम्मच कस्टर्ड पाउडर और 1/2 कप रोएब्जा। दूध को अच्छे से बॉईल कर लेना है। फिर उसके बाद नेक्स्ट आपको जो ऐड करना है वो है कस्टर्ड पाउडर। कुछ इस तरीके से ऐड कीजिए जैसा मम्मा कर रहे हैं, और कुछ इस तरीके से उसका लिक्विड बनाकर रख देना है। उसके बाद आपको जो इसमें नेक्स्ट ऐड करना है वो है शुगर। शुगर आप आपके टेस्ट के हिसाब से ऐड कीजिए। अगर आपको ज़्यादा मीठा लगता है तो आप ज़्यादा भी ऐड कर सकते हैं, और कम लगता है तो कम भी ऐड कर सकते हैं। और शुगर डालने के बाद इसको अच्छे से मिक्स कर लीजिए या बॉईल कर लीजिए। उसके बाद हमने जो कस्टर्ड पाउडर लिया था उसे भी ऐड कर देना है, जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं। कस्टर्ड पाउडर ऐड करने के बाद इसे 2 मिनट्स के लिए ही कुक करना है। उसके बाद उसको चूल्हे से उतार लेना है, और उसी के साथ साथ अगर आप ड्राई फ्रूट पसंद करते हो तो आप ऐड कर सकते हो। आपको काजू, बादाम, जो जो आपको ड्राई फ्रूट्स पसंद है आप वो ऐड कर सकते हो इसके अंदर। और अभी जो इसके बाद नेक्स्ट आपको करना है वो है इसके अंदर ठंडा होने के बाद 1/2 कप रोएब्जा डालना है, जैसा कि आप वीडियो में देख सकते हो। और इसे ठंडा होने के बाद डालना है 1/2 घंटे के बाद। और अगर आप इस चैनल पर नवे हो तो इस चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाना ना भूलिए, और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए। इसके बाद जो आपको नेक्स्ट इसमें ऐड करना है वो है एसेंस, वेनिला एसेंस मम्मा ने ऐड किया है। अगर आपको वेनिला एसेंस पसंद नहीं है तो आप इसमें इलायची पाउडर भी ऐड कर सकते हैं। तो ये हमारा शरबत बनकर रेडी है। इसे पिए और हमें ज़रूर बताइए कि आपको कैसा लगा। और अगर आप इस चैनल पर नवे हो तो इसको प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आप न्यू रेसिपीज देखना चाहते हो तो चैनल पर जाकर देख भी सकते हैं। मम्मा ने बहुत सारी रेसिपी अपलोड भी किया है, और मम्मा की जो हर रेसिपी रहती है वो बहुत ही स्वीट एंड सिंपल वे में रहती है और बहुत ही डिलीशियस रहती है। और अगर आप न्यू रेसिपी देखना चाहते हो प्लीज़ विजिट आवर चैनल। और आप अगर इस चैनल पर नवे हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना ना भूलिए। चलिए फ्रेंड्स, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।